हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानधारा बाइट्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनु, और आज मैं आपको लेके आई हूं श्री अम्बा पैलेस गेस्ट हाउस में, जो कि पाली सिटी में है। और हम लोगों ने इस गेस्ट हाउस में नाइट स्टे किया था, और मैंने सोचा कि जिस गेस्ट हाउस में हम लोगों ने स्टे किया था, तो वो गेस्ट हाउस किस तरह का था, तो वो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। चलिए फिर देखते हैं ये गेस्ट हाउस कैसा दिखता है। देखिए, हम ये अंदर से दिखा रहे हैं, और ये इसका ड्राइंग रूम है, काफी बड़ा है। और सामने ये बेडरूम है जो हमने रूम लिया था अपने लिए। काफ़ी बड़ा रूम है, और सामने मेरी बेटी सोई हुई है बेड पे। हम सब लोग उठ गए थे, लेकिन वो नहीं उठी थी। ये छोटी है, तो इसलिए उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया था। और ये फुल एसी रूम था। ये चेंजिंग रूम का गेट है। चलिए फिर चेंजिंग रूम भी दिखा देती हूँ आपको। इसमें दोनों साइड में कबर्ड बनी हुई थी, और कबर्ड के बीच में मिरर लगा हुआ था, और आप इन कबर्ड्स में अपना लगेज भी रख सकते थे आराम से। और ये वॉशरूम बना हुआ है इधर। अभी मैं आपको इसका बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ कि जो ये गेस्ट हाउस है वो बाहर से किस तरह का दिखता है। फ्रेंड्स, अगर आप कभी इस तरह के गेस्ट हाउस में गए हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और मुझे, मेरा इस गेस्ट हाउस में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। तो अगर कभी आप ऐसे ही गेस्ट हाउस में गए हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए, सामने जो क्वार्टर बना हुआ है, ये यहाँ के केयर टेकर का क्वार्टर बना हुआ है, जो उसमें रहते हैं और इसकी देखरेख करते हैं, क्योंकि ओनर इसमें नहीं रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ ये गेस्ट हाउस है, वहाँ से हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जैन टेंपल बना हुआ है। तो हम यहाँ से निकलने के बाद सीधा जैन टेंपल गए थे, तो उसकी वीडियो मैं इस वीडियो के बाद आएगी, तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। चलिए फिर हम यहाँ से निकलते हैं। अभी देखिए, हम वहाँ से गेस्ट हाउस से निकल गए हैं, उसी के बराबर में दूसरा गेस्ट हाउस बना हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी गेस्ट हाउस बने हुए थे। और फ्रेंड्स, ये पाली सिटी बहुत ही छोटी सी सिटी है, लेकिन बहुत सुंदर सिटी है, तो मुझे काफ़ी पसंद आई ये। देखिए, अभी हम रोड पे आ गए हैं, मेन रोड पे आ गए हैं।
और सामने जो टेम्पल वाइट वाला दिख रहा है वो जैन टेम्पल है, अभी हम उसी में जा रहे हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।